नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे पे अपकमिंग SEOs की, जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। और जिन लोगों ने पहले SEO में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप उनसे परचेज करने जाते हैं तो वो अनाप शनाप रेट मांगते हैं और डील करने के बाद भी मुकर जाते हैं। ये समस्या जो है हमें रेगुलर फेस करनी पड़ती है, लेकिन अब हमारे पास एक और मौका है अपने पसंद के SEO को बुक करवाने का, जिसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है और रोड साइड SEOs हैं, कोई यूनिट दबी हुई नहीं है और ये मेन द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही लोकेटेड है, सेक्टर 88 में। और इसका जो टोटल लैंड पार्सल है वो 2 एकड़ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 27 यूनिट हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं और 20 फुट का हर यूनिट का फ्रंटेज है, 132 गज का साइज है हर SEO का। और बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 4,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड इसका प्राइस आएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 5.5 करोड़ से शुरू होती है। और मेन हाईवे की लोकेशन होना ही एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आमतौर पे SEO हाईवे के नज़दीक तो होते हैं लेकिन हाईवे फेसिंग SEOs आपको नहीं मिल पाते। और ज़्यादातर जिसके पास हाईवे फेसिंग SEO है उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, या तो पैसे ज़्यादा मांगता है या उसके ऊपर PLC एक्स्ट्रा एक्सेट्रा हो जाती है। लेकिन यहाँ 27 की 27 यूनिट जो कि सभी रोड फेसिंग रहेंगी और इसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इसमें आप प्रॉफिट गेन करके एग्जिट भी कर सकते हैं। निवेशकों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अफवाह उड़ाने वाले लोगों से बचें, और ज़्यादातर लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं कि हमने अंडरराइट कर लिया है या ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है या फिर XYZ, बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं। देखिए, जो बिल्डर किसी चैनल पार्टनर से पैसे मांग के अगर उसको अंडरराइट देता है, यानी कि उस बिल्डर की हैसियत ही नहीं है अपने प्रोजेक्ट को चलाने की, तो ये समझ लो कि उस प्रोजेक्ट में दम ही नहीं है। देखिए, बात ये होती है कि मार्केट में अंडरराइट्स भी होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छा मजबूत बिल्डर कभी भी किसी चैनल को अंडरराइट नहीं देता है। और ये अफवाह उड़ाकर लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे या अपना इम्प्रेशन बढ़ा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने इस षड्यंत्र में कामयाब भी हो जाते हैं। और मेन नुकसान जो इन्वेस्टर का ये होता है कि आप अपना चैनल पार्टनर या रियल एस्टेट एक्सपर्ट चुनने में कहीं गलती कर देते हैं, जो कि बाद में आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल पाती। इसलिए मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मत खरीदें। और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें कि वह एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस देगा, कभी आपको उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना हो या लीज होल्ड करना हो तो वो आपका सहयोग कर पाएगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।